स्कूल बैग भी हैं। हाँ ये अमेरिकन है बोलो। अच्छा जी, अमेरिकन स्कूल बैग्स भी देख लें जी। ये भी उमर भाई के पास आए हैं, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त पीस है जी। उमर भाई ऐसा तो नहीं ऊपर ऊपर साफ रखा हुआ है? यहाँ देखिए इधर देख, कैमरा लगा। अच्छा एक सेकंड, मैं ये भी दिखाऊं जरा, मुझे सही से दिखा नहीं पा रहा मैं। ये देखिए जी, बड़ा हैवी और बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत सा बैग है ये। ये देखिए बैग पे कौन सा कह रहे हैं? कैमरा लगाओ और एक एक पीस दिखाओ कितने सारे हाँ हैं देखें, बोलो। इतनी बड़ी बात कर रहे हैं ये कि भाई कैमरा लगा के एक एक पीस दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहिद मीर, आप देख रहे हैं YouTube चैनल कराची मैन। आज मौजूद हूँ मैं एक लुंडा के गोदाम में, जहाँ पे अमेरिकन, जर्मनी, UK डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए जो यूज बैग हैं वो मिलते हैं। तो आइए ऑनर से मुलाकात करते हैं यहाँ की, और उनसे कंप्लीट डिटेल लेंगे कि उनके पास इस वक्त जो माल मौजूद है वो किस किस मुल्क का है और क्या क्या रेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई आ जाए ना जरा मैदान में, बताए ना क्या क्या है आपके पास। सर मेरे पास जो है वो स्कूल बैग जर्मन वाला पड़ा हुआ है। स्कूल बैग है जी, स्कूल बैग, सही है। और इसमें अमेरिकन भी है। अच्छा, मैं तो सामने सारे लेडीज बैग अच्छा, पर्स देख रहा हूँ। लेडीज पर्स भी है इसमें, क्लच भी है, सही है। इसमें ट्रेवल बैग भी है, इसमें मॉडर्न बैग भी है। सही है। तो इसमें ये तीन तीन क्वालिटी है, जर्मन है, लंदन है और अमेरिकन है। ठीक तीन है। क्वालिटी ऑलरेडी पड़ी हुई है। वैसे मेरे पास थाईलैंड भी आता है, हॉलैंड भी आता है, कोरिया भी आता है, लेकिन इसमें मौजूद है मेरे पास ये तीन क्वालिटी पड़ी हुई है। सही है। तो ये जो बोरे आपने बनाए हैं जी, ये पर्स के नहीं है? ये पर्स के हैं, लेकिन ये फ्रेश बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना ए क्वालिटी। ये देखें व्यूअर्स, ये ए मैंने भी थोड़ा चेक किया है, आप भी देखें। ये ए क्वालिटी का माल ये है। देखिए जी, बिल्कुल साफ सुथरा पीस है ये, बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है इसकी। ये कुछ पीसेज आपको मैं दिखाऊंगा। अच्छा ये कहाँ का उमर भाई? ये जर्मनी है। ये जर्मनी का है जी, ये जर्मनी का है। ठीक है जी, ये देखिए। अच्छा इसमें बस रेशो भी आप बता दें, मतलब कितना कितना होगा परसेंटेज? परसेंटेज इसमें होगा जो 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 छांटी वाला माल होगा ना फ्रेश, ये सब आपने छांटी किया होगा? ये छांटी किया, ये आपको मिलेगा 100%। अच्छा ये देखें जी, बोरे इन्होंने तैयार किया, ये रहा, ये रहा, और भी कुछ बोरे हैं, और तीन चार बोरे तो अभी मेरे सामने इन्होंने सेल किए हैं, कस्टमर ले जा चुके हैं। ये क्लच है, इसको क्लचेस बोलते हैं। ये कौन सा? ये क्लच है, ये टिक वाला माल है लंदन का। अच्छा ये तो पैक किया हुआ, ये तो नहीं खोल सकते, ये मैं बाहर से ही ना, दिखा देता हूँ आपको। ये भी आपको जो है ना तकरीबन ये समझ लो कि 98% फ्रेश मिलेगा आपको बिल्कुल। ये 98% है, 2% इसमें खराब हो, दो में से भी वो रिस्क हम इसलिए ले रहे हैं ना कि छांटी में हो सकता है कि अगर आप पीस हमसे आगे पीछे हो गए, उसमें मैं 2% बोलता हूँ। सही है, ठीक है ना, ये चीज होती है। तो इसका क्या रेट है? ये 250, 250 रुपए केजी है, पर केजी। तो ये आपने पैक किया है, पैक ही देंगे इसी तरह? सर पैक ही हो गई। और ये देखें थोड़ा बोरा इन्होंने बैक साइड पे किया है, ये इस टाइप के हैं क्लचेस। अच्छा इसका रेट ही नहीं बताया यार, उस पे चले गए। बताया था इसका? नहीं बताया, लेकिन 250 है, बड़ा पर्स जो है। ये भी 250, ये भी 250, दोनों पर्स। और ये कहाँ का है ये क्लचेस? ये लंदन वाला, ये टिक वाला है। इसमें आज इसमें तकरीबन 70% माल जो है ना अनयूजेबल है, यूज नहीं हुआ। टिक मतलब वो टैग जो होते हैं लगे, उस पे टैग लगा हुआ होता है। अच्छा ये मतलब नया ही है इसमें? ज्यादा 70% माल इसमें नया आता है, इस पे ये टैग लगे हुए होते हैं ना, ये यूज नहीं होते। ये देखिए जी, मैं आपको करीब से भी दिखा रहा हूं, देख रहे हो, ये चीज यूज नहीं होता, ये यूज नहीं है, लेकिन पड़े पड़े ये मतलब रह गया समझ लो, स्टॉक लॉट का माल होता है ना, 70%। सही है। अच्छा ये दोनों पर्स और क्लचेस के रेट जो है ना 250 पर केजी है। अब ये इसके ट्रेवल है। ओए होए होए, बड़ा जबरदस्त आ गया जी ये। आप ट्रेवल भी बैग देखें जी, ये तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल नया निकाला है अभी। ये देखिए जी, ये अमेरिकन है। अच्छा ये अमेरिकन है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है, बिल्कुल फ्रेश है। मैं आपको थोड़ा सा लाइट में करके दिखाऊं, एक्चुअली यहाँ पे लाइट नहीं है। ये देखिए जी, बहुत जबरदस्त कंडीशन है जी, मुझे तो ऐसे लग रहा है ये बिल्कुल नया है। इसमें भी जो 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 स्टॉक लॉट का माल है वो ये है, इसमें यूज अक्सर नहीं है। अच्छा ये भी इसमें कितना? इसमें भी 70% होगा नया? ये भी तकरीबन नहीं, ये तकरीबन 85% फ्रेश होगा। 85%, लेकिन ये अभी आप बनाओगे ना, ये तो बोरे में से निकाल के आपने बनाना है ना। ये देखिए एक और ट्रेवल बैग है, इस तरह से देखिए आप, ये एक और आराम। अच्छा, पैक बोरा है। ये मैं आपको बोरा दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से, ये बाहर से कंटेनर से इस कंडीशन में निकलता है ना, इसके अंदर है उमर भाई, ऐसे ही है सारे, ये इसके, ये
अच्छा ये व्यूवर्स, मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊं कि जो कंटेनर से बोरा निकलता है वो इस तरह का होता है, ठीक है जी, और इसमें से फिर ये निकाल के ना छांटी करते हैं। अक्सर जो ना ऐसी चीजें होती है फिर वो हम निकालते हैं, जैसे ये है ना, ये देखो ये क्या है, ये तो ऐसे ही है बस नॉर्मल सा ना। अच्छा ये साइड पे करके और अच्छे अच्छे साफ सुथरे से ट्रैवलिंग बैग, ये एक और निकला, देखें ये अभी इन्होंने छांटी नहीं किया, ठीक है जी, ये एक और देखें, मैं सही से दिखा नहीं पा रहा, कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए एक और, ये बड़ा जबरदस्त बैग है जी, ये सब ट्रैवलिंग बैग्स हैं। अच्छा ये इस बोरे से ये छांटी करते हैं, ये ठीक है, ये बोरा है, ये कंटेनर से जो इतना इसमें से निकाल के ये इस तरह से जो पहले आपको दिखाए हैं, ये इस तरह से प्लास्टिक के बैग्स में जो है ये पैक करते हैं छांटी करके, ठीक है, एक ये रहा। अच्छा और ये भी दिखा रहे हैं जी, हाँ ये जर्मन का माल है, ये ऐसे बोरे होते हैं, ये बोरे से निकाले, ये जर्मनी का है और ये इस तरह से बोरा आता है, ये देखें, ये मतलब अभी इन्होंने खोला हुआ है, थोड़ा सा ये इन्होंने निकाला हुआ है, ये छांटी करेंगे इसमें से, ये कंटेनर का बोरा है, खोल के बाहर निकाल के एक एक पीस ये अलग करते हैं, इसमें से जो साफ सुथरा होता है माल वो अलग करके ये प्लास्टिक की जो बड़ी बड़ी थैलियां हैं ना जो आपको दिखाई हैं उसमें ये पैक कर देते हैं। अच्छा यहाँ लाइट नहीं है, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये मैं रोशनी में आके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये उस बोरे में से जो अभी खुला हुआ है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक ये देखिए फ्रेश है बिल्कुल। अच्छा जी अमेरिकन स्कूल बैग्स भी देख लें जी, ये भी उमर भाई के पास आए हैं, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त पीस है जी। उमर भाई ऐसा तो नहीं ऊपर ऊपर साफ रखा हुआ है? कैमरा लगा। अच्छा एक सेकंड मैं ये भी दिखाऊंगा, जरा मुझे सही से दिखा नहीं पा रहा मैं, ये देखिए जी बड़ा हैवी और बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत सा बैग है ये देखिए बैग पे, कौन सा कह रहे हैं? कैमरा लगाओ और एक एक पीस दिखाओ। हाँ देखें इतनी बड़ी बात कर रहे हैं ये कि भाई कैमरा लगा के एक एक पीस दिखाओ, ये किया आ गया जी इस तरह से, ये सारे स्कूल बैग्स हैं। इसका भी रेट बताएं उमर भाई? ये 350, ये 350 रुपये, ये मैं आपको पूरी लॉट का दिखा देता हूँ, तो ये भी बताएं कितना कम से कम लेना होगा उमर भाई? ये 25 तक दे देता हूँ, एक जैसे कट्टू बनता है ना थैला। अच्छा उसमें ये थैले में 25 किलो कम से कम दे सकते हैं आप, जैसे 30, 28, 35 इस तरह से आता है। ये भी है जी, ये देखिए जी ये आ गया, एक ये देख लें इस तरह से होगा। इसकी भी रेशो बता दें, परसेंटेज क्या होगी इसकी उमर भाई? इसकी परसेंटेज फ्रेश की जो है ना आपका लब ला कर ये होगी आपकी 90 से 95% की। तो ये यूज है या वही स्टॉक वाला? यूज, ये यूज है, यूज है, 90 से 95% इसमें ओके माल होगा, कुछ निकल आएगा डैमेज? 5% जो निकल आएगा वो काबिल मुरम्मत होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसको ठीक करवा सकते हैं। करवा सकते हो जी फ्रेंड। तो यहाँ लाइट भी नहीं है और बहुत गर्मी है, बट मैंने आपको जितना हो सका है आपको इनके पास जितना भी माल था वो सब दिखाया और पूरी कोशिश की कि आपको हर तरह की डिटेल जो है ना जो मैं दे सकता हूँ और जो मैं इनसे ले सकता हूँ डिटेल वो लेके और आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ डिटेल, ताकि आपको परचेजिंग के लिए जो है वो आसानी हो के आया परचेजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रेट्स भी आपको बता दिए हैं, आपको ओरिजिन भी दिखा दिए कहाँ कहाँ का माल है, आपको मैंने परसेंटेज भी जो है ना वो बता दी कि क्या परसेंटेज होगी माल में, रेशो क्या होगा ओके का और डैमेज का। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।